चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक ताजा बयान ने सोशल मीडिया पर जैसे तहलका ही मचा के रख दिया हो और सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव की कुछ लोगों जमकर तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर जमकर कर बरस भी रहे हैं। दरअसल मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा भुगतनी होगी। साथ ही कोर्ट ने बाबा राम रहीम पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि ऐसे बाबा पर कार्रवाई करके सीबीआई ने बहुत अच्छा ही काम किया है और ऐसे पापी बाबा से हमें बचकर भी रहना चाहिए और अपने परिवार को बचाना भी चाहिए। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा हमें अपने माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसी बात को लेकर बाबा के समर्थक ने सोशल मीडिया पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर जमकर बरस भी रहे हैं। आपको बताते चले कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक के पास सुनरिया की जेल में पुस्तकालय में बनाई गई अदालत पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बीते शुक्रवार को गुरमीत बाबा राम रहीम 1999 में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने में दोषी करार दिए गए थे। मामले में शिकायतकर्ता 2002 में ही दर्ज हुई थी। बचाव दल के वकील ने जहां दुष्कर्म के दोषी डेरा के प्रमुख बाबा राम रहीम के सामाजिक कार्य और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की और अपनी सजा बरकरार रखी।